हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का हमारे एस के इलेक्ट्रिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम से हम वीडियो नहीं डाल पाए क्योंकि हम जो थोड़ा हमारा जो थोड़ा काम है वो थोड़ा बिजी चल रहे थे हम किसी काम के चक्कर में। तो जो ये है, आप सभी को पता है कि जो ये UVW टेस्टर हैं, हमने अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किए हैं और ये जो है प्रोडक्ट सारे हमने अपने बनाने शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ये वाला जो UVW टेस्टर है हम कैसे यूज करते हैं। काफ़ी दोस्तों को बहुत ही परेशानी आ रही है कि इस UVW टेस्टर को हम कैसे यूज करें, तो आज हम इसे यूज करना सिखाएंगे आपको। तो ये हमारी कंप्लीट पैकिंग होती है और देख सकते हैं ये UVW टेस्टर और नीचे हमारे चैनल का नाम एसके इलेक्ट्रिक वर्ल्ड। तो दोस्तों, ये हर एक चीज़ जो है हम अपनी बनाते हैं और देख सकते हैं ये हमारी PCB हैं। ये जो UVW टेस्टर हैं ये PCB बेस्ड हैं, ना कि नॉर्मल टेस्टर की तरह है, जीरो PCB पे। तो हम जो काम करते हैं बिल्कुल जेन्युइन और प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। और दूसरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारी वो कैबिनेट है जिसके अंदर ये PCB लगेगी और उस पर बाकी जो सब कंपोनेंट हैं वो सब इसके अंदर हम SMD में माउंट करते हैं, ठीक है, नॉर्मली नहीं, SMD में। तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि कैसे हम इस UVW टेस्टर को यूज करते हैं और कैसे नहीं। तो दोस्तों, जो हमारी अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो देख सकते हैं ये हमने कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट करने के लिए ड्राइव बनाई है, तो इस पर अभी थोड़ा काम चल रहा है। तो अभी ये 15 से 20 दिन के अंदर रेडी हो जाएगी। तो दिखने में तो थोड़ा ये काफ़ी बड़ा बोर्ड है, बट इसे हम जो है छोटा कॉम्पैक्ट बनाने वाले हैं। तो लगभग 15 से 20 दिन में कंप्लीट हमारा जो है प्रोसीजर हो जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहे, वीडियो को देखें, वीडियो को लास्ट तक वॉच करें ताकि आप लोगों को प्रॉपर जानकारी समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए अभी हमने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले जो है हमने इसके अंदर साथ में जो है फ़ैन मोटर अटैच की हुई है, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि हमारी जो फ़ैन मोटर है वो ख़राब है या ठीक है, क्योंकि हम नहीं जानते। मतलब ये लगा लो एक किस्म का ये हमारा एक कंप्रेशर है, तो ये कंप्रेशर की जगह हम यूज कर रहे हैं। तो चलिए अभी इसे हम बाहर निकाल लेते हैं पैकिंग से इसे, ठीक है। तो ये हमारा टेस्टर बाहर आ चुका है और देखेंगे कितनी बढ़िया लुक है, बिल्कुल अच्छे वाली कैबिनेट और वायर्स जी की यूज की है हमने। और कभी वीडियो बनाऊंगा मैं इसके ऊपर। तो हमारा जो नेक्स्ट ये ब्रांड आने वाला है ये डिजिटल डिस्प्ले में आने वाला है, जो कि आपको वोल्टेज फ्रीक्वेंसी सब बताएगा और कौन से में कितनी वोल्टेज आ रही है वो भी आपको सब क्लियर करेगा। तो चलिए इससे पहले हम इसके जो तीनों वायर हैं इनके साथ हम जो है अटैच कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, फ़ैन मोटर के साथ तीनों वायर अटैच कर लेते हैं। चलिए मैं एक बार अटैच कर लेता हूँ। तो मैं ये तीनों वायर्स जहाँ पे हमारे मोटर के कनेक्टर हैं, मोटर की वायर्स लगी हुई हैं, वहाँ पे मैं इन्हें लगा लेता हूँ, क्योंकि जो हमें यही फॉल्ट देखना है कि हमारी जो कंप्रेशर ख़राब है या फिर हमारी PCB ख़राब है, क्योंकि कस्टमर के घर जाने के बाद हमें सब यही क्लियर करना पड़ता है कस्टमर को कि हमारी क्या चीज़ आपकी ख़राब है, ठीक है। तो अभी ये सब लगने के बाद हम इसे क्या करेंगे, इसे ऐसे रखेंगे सामने की तरफ ताकि हमें जो है ये LEDs दिखाई दे। तो ध्यान रखिएगा जो हमने जो चिमटियाँ लगाई हैं वो आपस में शॉर्ट ना हो, अगर शॉर्ट हो जाएंगी तो जो हमारी PCB है वो उड़ जाएगी, मतलब PCB तो नहीं उड़ेगी, जो इसके अंदर लगा हुआ ये IPM है ये ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, और थोड़ा आज मेरे पे कैमरा का सेटिंग अकेले से नहीं हो रही, तो जैसे कैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये तीन वायरें जो हैं ये हमारी मोटर की हैं और दूसरी ये हमने जो UVW टेस्टर है ये हमारा है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले तो जो इसकी यहाँ पे देख सकते हैं ये ओवरलोड के लिए जो लगाई जाती है यहाँ पे वायर, वो हमने डायरेक्ट कर दी एक जम्पर लगा के, ठीक है। उसके बाद अभी हम इसे क्या करेंगे, जो ये फ़ैन मोटर हैं इसे हम रन करके देखेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो 220 वोल्ट जाते हैं वो इसे हम यहाँ पे नहीं देने वाले, क्योंकि दोस्तों जो 220 वोल्ट हैं वो हम नहीं देंगे, उसकी जगह हम ये डिजिटल वाला हमारे पास ये मॉड्यूल है ये यूज करेंगे इसे डायरेक्ट स्टार्ट करने के लिए। अगर यहाँ पे हम देते हैं वोल्टेज तो काफ़ी टाइम लग जाता है यहाँ फ्रीक्वेंसी बनने में, तो हम इसे यूज करके वही से हम चलाने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे, सॉरी पहले हम PCB को ऑन करेंगे, मैं सप्लाई दे देता हूँ
और देखिए यहाँ पे एक एलईडी ऑन होगी। तो दोस्तों जो ये एलईडी है कुछ मिली सेकंड के लिए ऑन होती है, बाकी पीसीबी की तरह नहीं है, उसके बाद ऑफ हो जाती है। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, इस मॉड्यूल का जो अपने को है इसको भी हम ऑन कर लेंगे साथ में और इसे डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे पीसीबी को। अगर हम यहाँ पे 220 वोल्ट देते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है इसे स्टार्ट होने में, और कभी कभी फ्रीक्वेंसी सही मैच नहीं करती तो ऑप्टो कपलर हमारा स्विचिंग नहीं कराता तो ये नहीं चलती। तो इसीलिए हम थोड़ा जल्दी करने के लिए यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई दे रहे हैं। तो हम अपनी सप्लाई को ऑन करेंगे और देख सकते हैं ये हमारा मॉड्यूल की शायद एक वायर निकल गई है, वो हम लगा लेते हैं एक बार। और ये हमारी तार मिसिंग थी, ठीक है ये लग गई है। तो देख सकते हैं ये इसके अंदर डिस्प्ले आ चुकी है। तो चलिए इसे हम एक साइड करते हैं, यहाँ पर रखते हैं, उसे छोड़ देते हैं, जो लिखा होगा वो बाद में आपको हम बताएंगे डिटेल से। तो अभी हम जो करते हैं यहाँ पे हम सप्लाई देंगे, यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है जो कि ऑप्टो कपलर के पैरलर में है। अभी यहाँ पे हम सप्लाई दे के देखते हैं, तो नहीं ऑन हुआ तो हम इसकी वायर जो है वो चेंज करने वाले हैं। आज वीडियो काफ़ी लंबी होगी पर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव जो है वीडियो रहेगी, आपको इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक देखा करें, काफ़ी लोग हैं वीडियो स्किप करके चले जाते हैं। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे अभी जो है हमारा UVW टेस्टर में फॉल्ट है या फिर हमारी मोटर में फॉल्ट है, ठीक है वो हमें अभी ट्रेस करते हैं, क्योंकि इसमें से बीच वाली जो LED थी वो बंद थी, ऑन नहीं हुई थी। अभी हम क्या करते हैं इसकी जगह दूसरा UVW टेस्टर जो है लगा के देखते हैं। तो अभी दोस्तों इसकी जगह हमने दूसरा UVW टेस्टर लगाया, ये वाला हमने एक साइड कर दिया, ठीक है। तो अभी इसमें देखते हैं कि 6 की 6 LED ऑन होती है कि नहीं, क्योंकि जो ये PCB है हमारा बिल्कुल न्यू PCB है, PCB ख़राब नहीं हो सकता, तो सर UVW टेस्टर ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ पे लाइट आ चुकी है, इसे हम कम्युनिकेट करवाते हैं एक बार, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे पॉजिटिव दिया ऑप्टो कपलर पे पॉजिटिव, और ये नेगेटिव पे नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे 6 की 6 LED ऑन हो रही है बट हमारी जो मोटर है वो नहीं चल रही, वाइब्रेशन कर रही है। तो इसका मतलब जो है हमारा मोटर ख़राब है, PCB में जो IPM लगा हुआ है वो आउटपुट सही दे रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम मोटर को निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है हम मोटर को निकाल देते हैं। और अभी हम क्या करते हैं ओनली जो है UVW टेस्टर को लगाते हैं और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है और ये हमें क्या बताता है। तो चलिए अभी इसकी है हम ये डायरेक्ट यहाँ लगा देते हैं, फिर देखते हैं ये हमें क्या बताएगा, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो अगर हम हमारे पास कंप्रेशर नहीं होगा तो हमें ये क्या फीडबैक देगा। तो चलिए एक बार इसे लगा लेते हैं। तो अभी हम इसे दोबारा PCB को जो है ऑन करते हैं, सप्लाई देते हैं, सप्लाई दिया और हम यहाँ से कम्युनिकेट करवाते हैं इसे, और अब देखिएगा। तो देखिए जो है इसमें 6 की 6 LED ऑन हुई और ऑफ हो गई, और अभी ये PCB है थोड़ी देर के बाद एरर करना शुरू कर देगी जो कि कंप्रेशर का होगा। इसका मतलब हमारा ये कि हमारा PCB के अंदर लगा हुआ जो IPM है उसके इंटरनली जो 6 IGBT लगे हुए हैं वो बिल्कुल ओके वर्किंग कंडीशन में है, जो हमारा कंप्रेशर के साथ अटैच नहीं है, कंप्रेशर का एरर आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और दोस्तों बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आने वाली है इस ड्राइव के ऊपर, ठीक है तो इंतज़ार करो, सब कुछ आएगा आगे।